बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, पूरे दिल्ली में हम सब लोग जहां भी रहते हैं, हमारे घरों में सब्जी है, फल है, जो छोटी छोटी चीजें होती है रोजमर्रे की लाइफ में, वो किसी न किसी वीकली मार्केट से हमारे घर के परिवार के सदस्य खरीद करके लाते हैं। वीकली मार्केट में जो सब्जी का रेडी लगाते हैं, फल का लगाते हैं या छोटी छोटी जरूरतों का लगाते हैं, ये हम सबके समाज में, पूरे कैपिटल के अंदर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हम सबके परिवार में, जीवन में। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता हूं अध्यक्ष महोदय, वो 99% अनऑथराइज कॉलोनी है और वहां पर रेडी पटरी लगाने वाले लोग गरीब प्रवासी लोग, 15 से 20 हजार परिवार ऐसा है जो कि रेडी पटरी के माध्यम से ही उनका पूरा परिवार चलता है, पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। और 15 से 20 हजार परिवार जो रेडी पटरी लगाता है, वो बाकी सब लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उनको फ्रेश सब्जियां और ये सब चीजें, इससे उनको रोजगार चलता है, सब चीजें चलती है। जो सबसे लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, अपना बच्चों का ख्याल रखते हैं, परिवार का ख्याल रखते हैं, आज उनके जीवन पे एक बहुत बड़ा संकट आ चुका है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, कोई अखबार नहीं छापता इनका दर्द। मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ये हाउस स्ट्रिक्टली लिखे कि जिस तरीके से रेडी पटरी वालों को लगातार पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, उनको डंडे मारते हैं, उनका एक्सट्रॉर्शन करने की कोशिश करते हैं, पैसे की उगाही करने की कोशिश करते हैं। आप एक चीज बताइए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 99% अनऑथराइज है, वहां पे कुछ भी ऑथराइज है ही नहीं, तो बाजार कैसे ऑथराइज हो जाएगा? कुछ भी ऑथराइज नहीं है, ना सड़क ऑथराइज है, ना मकान ऑथराइज है, ना प्लॉट ऑथराइज है, कुछ भी नहीं है। एमएलए ऑथराइज है क्योंकि वो वोट से चुन करके आता है, वोटर ऑथराइज है, एमएलए ऑथराइज है, लेकिन उसको लीगैलिटी के नाम पर में कि ये पास नहीं है, फेल नहीं है। अरे तुम्हारा थाना पास है क्या? इस थाने में तुम बैठे हो जहां से पुलिस या हुकूमत चलाते हो, कच्ची कॉलोनी में वो थाना भी अनऑथराइज है। ऋतुराज जी इधर भी सुन लीजिए, जो लिखा है उससे ज्यादा जा रहे हैं। नहीं अध्यक्ष जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं सीमा लिखा है, सीमा को मत मांगिए, डिसीजन हुआ है तो उसको फॉलो करिए। एमसीडी और पुलिस का जो नेक्सस है, मैं देख रहा हूँ कि हमारे एमसीडी के प्रभारी भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी ध्यान आकर्षण चाहता हूँ। एमसीडी और पुलिस का जो नेक्सस है और जिस तरीके का अत्याचार वो अत्यंत पिछड़े लोगों पे कर रहे हैं इकोनॉमिकली, रेडी पटरी हम वाले जो लोग हैं 15-20 हजार परिवार चलाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं रोजगार नहीं है तो पकौड़ा तलो, और पकौड़ा तलने के लिए रेडी लगाओ तो पुलिस भेज देते हैं, पुलिस के थ्रू एक्सट्रॉशन करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तंग करते हैं। अरे आपकी दोस्ती अडानी से है, हमारी दोस्ती तो उन्हीं गरीब लोगों से है। ऋतुराज जी देखिए, मैं ये सीमा को लांगोगे मुझे दिक्कत होगी। सीमा नहीं लांगेंगे अध्यक्ष जी, मैं तो विषय पे आ, आपका नंबर इसलिए आ सका है बारवां तो, कि बाकी सदस्यों ने पढ़ा हुआ बोला। अध्यक्ष जी हाथ जोड़ के, अगर वो किसी ढंग से बोलते आपका नंबर ही नहीं आता। ये हाउस इस बात पे सहमत होगा, सब लोगों के क्षेत्र में इस तरह की प्रॉब्लम है, लगातार परेशान किया जा रहा है। पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के अगर बारे में कोई सुनेगा तो आप ही सुनेंगे और आप ही के माध्यम से समाधान होगा। पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखिए, ये हाउस चाहता है कि कोई भी रेडी पटरी वाले को अगर परेशान करोगे, ये 15-20 हजार रेडी पटरी वालों को श्री अखिलेश त्रिपाठी जी बोल देंगे, अखिलेश त्रिपाठी यही करना पड़ेगा तो ये भी करेंगे। और साथ में एमसीडी को भी लिखिए, उनके एमसीडी कमिश्नर को हाउस में बुलाइए और उनसे कहिए रेडी पटरी वालों को परेशान करना बंद करो, रेडी पटरी वालों को परेशान करना बंद करो, ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय।